करती हूँ खाली। हाय गाइस, आई एम वर्तिका एंड वेलकम बैक टू वाइब विद वर्तिका। सो आज है एक और व्लॉग जिसमें मैं आपको कैजुअली लेके जाने वाली हूँ थ्रू माय वीकेंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। आई नो मैंने थोड़ा लेट व्लॉग चालू किया है आज बिकॉज वीकेंड्स मेरे लेजी ही होते हैं जनरली। तो आज हम लोग फुल ब्लोन गुजराती थाली खाने जाने वाले हैं और आज आप लोगों को मेरे चैनल पे स्टार्टिंग में थोड़े बहुत फूड ब्लॉगर वाइब्स भी आएंगे। बट क्योंकि मेरी काफी सारी ऑडियंस जो कि गुजरात के बाहर है उन लोगों ने शायद ये गुजराती थाली एक्सपीरियंस नहीं की होगी, दैट इज वाई आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग दिस पार्ट एज वेल। तो अभी हम लोग गोवर्धन थाल जा रहे हैं जो कि काफी अच्छा गुजराती खाने का फाइन लाइन रेस्टोरेंट है। तो उधर चलते हैं और फिर हम लोग जो जो खाते हैं उसके बारे में मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो अभी उधर चलते हैं। सो गाइस, ये है मेरी फुल ब्लोन गुजराती थाली, काफी यमी लग रही है ना, एंड ऑल्सो इट इज इनकम्प्लीट विदाउट चार्ज। तो अब मैं आपको बताती हूँ इंडिविजुअल आइटम्स क्या क्या है। फर्स्ट अप वी हैव दिस फरसान थिंग जो कि बास्केट चाट है, देन आम करज, देन मूंग दाल का हलवा, देन दिस इज़ गुजराती दाल, यहाँ पे है पनीर की सब्ज़ी, लोबिया की सब्ज़ी, पापड़, आलू टमाटर, कैप्सिकम की सब्ज़ी, ढोकला, फिर ये जामनगरी घुघरा है, पूरी है, रोटी है एंड सैलेड। बहुत मेहनत लगी गाइस पर मैंने फाइनली ख़त्म कर लिया बिकॉज एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस एंड बहुत मज़ा आया गोवर्धन थाल जाके। इन केस यू आर प्लानिंग टू कम टू अहमदाबाद, डेफिनेटली कोई गुजराती थाली ज़रूर खाना, गोवर्धन थाल की या कोई भी जगह की, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाय गाइस, यहाँ पे हम जो गोवर्धन थाल में आए हैं वहाँ पे ये लोग काफी एक अच्छे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और फटाफट सबको खाना देते हैं। तो आज मैं यहाँ पे भैया के साथ हूँ तो ये आपको बताएंगे कौन से साइंस को यूज करते हैं और कैसे सबके पास इतने जल्दी खाना पहुँचा। स्वीट रहता है, आम के लिए, गरम सूप के लिए, ऐसे सारे साइंस से गाइस ये इतनी बड़ी जगह मैनेज करते हैं और सबको एकदम फटाफट फटाफट खाना सर्व करते हैं। बहुत यम्मी खाना था और बहुत ज्यादा पेट भर गया। कौन बोलता है गुजराती खाने से पेट नहीं भरता है। एक बार इधर आइए और खाके देखिएगा। हाय गाइस, सो सीन चेंज हो गया है। अभी खाना खाने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ में जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए H&M में। बहुत टाइम हो गया था और पापा का बर्थडे भी आ रहा है तो हमें थोड़ी चीज़ें लेनी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जाते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और अभी 8:30 अप्रॉक्सीमेट हो रहे हैं। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ। आई विल गो फॉर माई ब्रेकफास्ट नाउ एंड देन मुझे थंबनेल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखना है आज के ब्लॉग का जो कि आने वाला है। सो यार, अभी तो मैं इतना ही करने वाली हूँ। सो हाय गाइस, कुछ डिफरेंस दिखा आपको। आज मैं पोहा और चाय नहीं पीने वाली बिकॉज मैं हर रोज़ वो नहीं खाती हूँ, बस मुझे पसंद है तो कभी कभी कोइंसिडेंटली ब्लॉग वाले दिन वही बन जाता है। बट आज भी ये फ्राइड इडली है, ये सैंडविच है एंड फ्रूट्स जो कि मैं हर रोज़ खाती हूँ वो। तो यार, आज मैं वो खाने वाली हूँ एंड चाय नहीं है। आपने नोटिस किया होगा क्योंकि चाय पीना मैंने छोड़ दिया बिकॉज वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो यार, वो तो मैंने छोड़ दिया। हाय गाइस, चलो चलते हैं। अभी मुझे थोड़ा काम है मॉल में तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आई हैव टू चेक द प्राइस ऑफ माय कैमरा, इंक्वायर फॉर अ न्यू वन और क्या क्या करते हैं मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ये CEX स्टोर में। यहाँ पे आप कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सेल कर सकते हो और इधर पे से जो भी है उसको ले सकते हो। यहाँ पे मैं अपने कैमरा को सेल करने आई थी, एक्चुअली उसका प्राइस पूछने आई थी कि कितने में सेल होगा। हेलो,
Charlie. What's your name? गाइस दिल्ली वालों का कॉपी करके अहमदाबाद में भी बन गया. आई लव अहमदाबाद है ना. ये मैंने लिए हैं मोजीज मास्टर से. ये मुंबई की इन्फिनिटी मॉल में इनका शॉप है. उधर से ये लोग यहाँ पे आए एग्जीबिशन करने. मुझे इनका कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगा. मैं इंस्टाग्राम पे इनको जब भी पहनूंगी तब टैग करने वाली हूँ. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप ऐसी सारी चीजें वहां से ले सकें. Guys, which one? मुझे एक ये अच्छा लगा और एक ये भी अच्छा लगा. जो पसंद है मम्मी को वीडियो कॉल करना पड़ेगा. मुझे तो दोनों अच्छा लगा. Guys, finally मैंने ये ले लिया अच्छा सा ब्रेसलेट फ्रॉम दिस स्टोर सी स्टोन ज्वेलरी. काफी मस्त स्टोर है राजकोट का. मुझे बहुत अच्छे लगे इनके सारे डिजाइन. बट अभी आज मैंने खाली एक ये ब्रेसलेट लिया. बहुत सुंदर है ना. ये बैग भी कितना अच्छा है ना. सो नाइस. ये बैग भी कितना सुंदर है ना. आई लास्ट फॉर इट्स प्राइस. इवन दिस इज सो ब्यूटीफुल राइट. सो नाउ आई एम जस्ट कैजुअली फ्लॉन्टिंग जो सब चीज़ें मैंने एग्जीबिशन से ली. काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन लगी थी. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बट बहुत अच्छे आइटम्स मिले वहाँ पे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब.